नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। एक बल्लेबाज का हथियार होता है उसका बल्ला, वहीं अगर वो बल्लेबाज विराट कोहली हो तो फिर उनका बल्ला तो किसी तोप से कम नहीं है। जब उनका बल्ला चलता है तो फिर विरोधी खेमों में खलबली मच जाती है। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 85 बार हो चुका है, फिर चाहे बात इंटरनेशनल क्रिकेट की हो या फिर आईपीएल की। बात अगर भारतीय कप्तान विराट कोहली की सफलता की करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। विराट कोहली फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक पर इतना ध्यान देते हैं कि कोई खिलाड़ी शायद इतनी मेहनत नहीं करता होगा। वहीं अगर उनके मौजूदा वायरल वीडियो को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि वे अपने हथियार यानी बल्ले को लेकर कितने संजीदा रहते हैं। विराट कोहली के बल्ले में 1 इंच तो छोड़िए, अगर 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा लकड़ी लगी होती है तो वे फिर उस लकड़ी को हटा देते हैं। ये काम उनके लिए कोई और नहीं बल्कि वे खुद करते हैं। इसी का एक वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वे अपने बल्ले के हैंडल को एक आरी से काट रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में विराट कोहली ने लिखा है, यह ठीक है कि यह छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बैट का बैलेंस बनाने के लिए कुछ सेंटीमीटर भी मायने रखते हैं। मैं अपने बल्लों की देखभाल बड़े प्यार से करता हूँ। आप भी देखिए विराट कोहली कैसे अपने बल्लों को धार देते हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको आधा दर्जन बल्ले और नजर आ रहे होंगे। दरअसल विराट कोहली मौजूदा समय में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आईपीएल 2020 के लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को वे पहली बार चैंपियन बनाने के लिए कमर कस रहे हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट के लिए ये बल्ले काफी ज्यादा हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बल्लों के साथ विराट कोहली यूएई क्यों गए हैं। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। दरअसल विराट कोहली इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां भारतीय टीम को 4 मैचों की लंबी टेस्ट सीरीज और फिर 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। यही कारण है कि विराट कोहली इतने सारे बैट अपने साथ लेकर यूएई गए हैं। यूएई से ही भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।